हेलो फ्रेंड्स, होममेड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ उल्टा वड़ा पाव। ये झटपट और इजी तरीके से बन जाता है। इस समय बारिश के मौसम में आप लोग भी बनाएं और खाएं इसको। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया, गैस पर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। ये मैंने आलू उबाल के इसको मैं अच्छे से मैश कर ली हूँ। ये हमारा तेल देखिए गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले इसमें जीरा डालूंगी। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब मैं ये लहसुन, अदरक और हरा मिर्च मैंने काट के इसको कूट ली हूँ अच्छे से। आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से सब अच्छे से आलू में मिक्स हो जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी इसको अच्छे से मिला के। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी, थोड़ी हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिला देंगे हम। ये आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, ये हमारा घर का अमचूर पाउडर है, आप बाजार से भी लेकर डाल सकते हैं। इसमें नमक स्वाद अनुसार, लोग को और तीखा खाना पसंद है तो मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। हम आलू को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये मैं अच्छे से आलू को मसाले में मिक्स कर ली हूँ और ये अच्छे से मैं भून भी ली हूँ थोड़ा। अच्छे से हमारा आलू भुना गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। हमारा आलू अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लूंगी अब, और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा आलू ठंडा हो रहा है, हम बेसन का बैटर बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और मैंने 4 चम्मच बेसन में ले रही हूँ, इस चम्मच बड़ा चम्मच से। और 1 चम्मच चावल का आटा है, इसे थोड़ा कुरकुरा बनता है। और आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाता है। थोड़ा से हल्दी भी हम इसमें मिक्स कर लें,
कर लेंगे, भूल गई थी मैं हल्दी मिक्स करना, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा बैटर तैयार हो गया अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से बना है ये, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और हम पाव को काट लेते हैं बीच से। ये देखिए पाव को मैंने इसे दो भाग में काट ली हूँ, इसे दो भाग में कर लेना है इसको। और हमारा आलू भी ठंडा हो गया है, अब हम इस पर ये फिलिंग कर लेंगे अच्छे से, आलू को इस पर से लगा लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से हम लगा लेंगे ऐसे सारे पर। देखिए सारे पाव पर मैंने आलू अच्छे से लगा ली हूँ मैं। ये हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया तेल, अब हम इसमें बैटर में इसको डीप करेंगे। मीडियम आंच पर हम धीरे धीरे इसको कुक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये बना है, एकदम इसको ब्राउन होने तक धीरे धीरे इसको इसमें पकाना है। अब मैं इसको अच्छी निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप लोग भी बनाइए खाइए, इस समय बारिश का मौसम है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। ऐसे मैं सारे पाव को इसमें तल लूंगी। ये उल्टा वड़ा पाव हमारा बन के रेडी हो गया सारा, मैंने देखिए अच्छे से मैं इसको तल ली हूँ सुनहरा होने तक। अब मैं मिर्ची तल के आपको दिखा रही हूँ। वड़ा पाव के साथ मिर्ची तला रहता है तो खाने में और अच्छा लगता है। और हम धीरे धीरे ऐसे इसको तल लेंगे। ये देखिए मैं प्लेटिंग कर ली हूँ, मैं सॉस के साथ प्लेटिंग की हूँ, आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग भी इस बारिश के मौसम में बनाइए और खाइए, कैसा बना है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।